नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल आसान तरीके से। इसको दोस्तों हम कढ़ाई में बनाएंगे, वो भी लोहे की कढ़ाई में, तो बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, आज मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और चिकन में यहाँ पर लेग पीस है और कलेजी भी है, पोटा है और 3 यहाँ पे मैंने पंजे लिए हैं। ये पूरा मिक्स चिकन है और बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने 4-5 प्याज लिए हैं, प्याज को अच्छे से छील लिया है, धुल लिया है और इसको अब हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इसको थोड़ा बड़ा बड़ा काटना है, आप छोटे भी काट सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले हम प्याज को काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्याज हमारी कट चुकी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने प्याज को भी काट लिया है, टमाटर भी हमारा कट चुका है, यहाँ पे मैंने मिर्ची काट ली है बीच से फाड़ के ऐसे, और यहाँ पे ये लहसुन है, इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है, इसमें जो पानी था वो सूख गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो चलिए दोस्तों, तेल डाल देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, आपको जो पसंद हो, जो खाते हों आप, वो डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे तेल को डाल दिया है और तेल को जो है अच्छे से गरम कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तेल जो है हमारा गरम हो रहा है अभी, तो इसमें डालने के लिए हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं तड़के में डालने के लिए। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता लिया है और बड़ी इलायची ली है, यहाँ पे लिया है काली मिर्च लिया है, तो मैंने लौंग ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है। तो दोस्तों, इनको हम डालेंगे तेल गरम होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, तेल से धुआं जैसा निकलने लगा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले हम डाल देंगे, इसके तुरंत बाद हम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों प्याज जो मैंने काट रखी थी, क्योंकि खड़े मसाले रहते हैं तो दोस्तों जल्दी जलने लगते हैं, तो इसलिए इसके तुरंत बाद प्याज डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारी प्याज को डाल दिया है, अब इसको हम चला देंगे ऐसे, और प्याज को दोस्तों हम सुनहरा कर लेंगे। इसी तड़के के साथ दोस्तों हम डाल देंगे 2 यहाँ पे सूखी लाल मिर्च। तो देखिए दोस्तों, प्याज जो है हमारी हल्की हल्की सुनहरी होने लगी है, तड़का हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से धुल लिया है दोस्तों, तो अब इसको हम डाल के इसी तड़के में पकाएंगे। और इसी तड़के में चिकन को दोस्तों हम सुनहरा पका लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसको हम ढक देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने इसको ढक दिया है, इसको पका लेते हैं तड़के में। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में चला के हम देख लेंगे इसको। तो ये देखिए, चिकन जो हमारी अच्छे से पक रही है, देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है। थोड़ा सा और ढक के इसी में पका लेते हैं तड़के में इसको और। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, चिकन जो है हमारी सुनहरी होने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों टमाटर, जो मैंने 2 बारीक काट ली थी। साथ में दोस्तों डाल देते हैं यहाँ पे हरी मिर्च,
अदरक लहसुन का ये दरदरा पेस्ट है दोस्तों, इसको डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया। अब इसमें हम स्वादानुसार डाल देते हैं नमक दोस्तों साथ में। अब इसको दोस्तों एक चमचे से हम चला लेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर ढक के इसको हम पकाते हैं सारी चीज़ों के साथ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनेगा। और टमाटर जो है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये गल चुका है टमाटर जो हमने डाला था, टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दोस्तों मसाले, एक चम्मच डालेंगे दोस्तों यहाँ पे धनिया पाउडर, डालेंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे दोस्तों लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे दोस्तों यहाँ पे कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा यहाँ पे हम कूटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं दोस्तों, एक चम्मच डालेंगे यहाँ पे हम चिकन मसाला। अब इसमें डालेंगे दोस्तों थोड़ा सा पानी मसाले को पकाने के लिए, मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है दोस्तों हमारा चिकन। तो मसाले को दोस्तों हम ढक के पका लेते हैं थोड़ी देर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम। ये देखिए दोस्तों मसाला जो है हमारा अच्छे से पक चुका है, आप लोग देख सकते हैं तेल भी इसमें ऊपर आने लगा है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो दोस्तों आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। तो देखिए दोस्तों पानी हमने डाल दिया है ग्रेवी के लिए, और हमें थोड़ा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा कम पानी डाला है। अब थोड़ी देर इसको और हम पका लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए अब ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम। ये देखिए चिकन हमारी पक रही है। अब इसमें हम डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और रख के पका लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, चिकन हमारा पक चुका होगा। ये देखिए जितना मैंने पानी डाला था देखिए कम भी हो गया है, और जो है ग्रेवी हमारी देख सकते हैं गाढ़ी भी हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों गैस को हम बंद कर देंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब हमारा चिकन बनके रेडी हुआ है दोस्तों। देखने में जितना ही अच्छा कलर दिख रहा है उतना ही टेस्टी हमारा चिकन बनके तैयार हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है, और लोहे की कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए हमारा चिकन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।